लास्ट की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे लाइन डायग्राम्स की, हमने बात की थी, हम लोग वन डायमेंशनल डायग्राम्स को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने फर्स्ट बात की लाइन डायग्राम की, फर्स्ट हमने क्या बात की, लाइन डायग्राम की बात की। सेकेंड नंबर पे हमने बात की थी सिंपल बार डायग्राम्स की, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल बार डायग्राम। थर्ड नंबर पे आता है मल्टीपल बहुगुणी दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, ठीक है ना। इस प्रकार के यदि मल्टीपल बार डायग्राम की यदि बात की जाए तो इनका निर्माण इसलिए किया जाता है किसी भी चीज़ की तुलनात्मक कंपेटिव स्टडी के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, डाटास या अंकों का, डाटास का ग्रुप पाया जाता है, अंकों का समूह पाया जाता है जिसके प्रत्येक मान का एक निश्चित रॉड लाइक स्ट्रक्चर दंड बार क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, इस प्रकार के दंड चित्रों में, इस प्रकार के दंड चित्रों में दंड चित्रों में तुलनात्मक अध्ययन हेतु दो या दो अथवा अधिक अंकों समूह, दो अथवा दो से अधिक अंक समूहों का चित्रण किया जाता है, चित्रण किया जाता है। प्रत्येक चर के मान का एक दंड चित्र बनाया जाता है। दंड चित्र बनाया जाता है, ठीक है ना। अभी दोनों दो दंड चित्र हम लोग यहाँ पर, दो या दो से ज़्यादा दंड चित्र यहाँ पे बना रहे कंपेटिव स्टडी के लिए, तो इनको क्या किया जाएगा, एक दूसरे से सटाकर ये पास पास बनाए जाएंगे। एक अवधि से संबंधित तथ्यों को एक अवधि से संबंधित तथ्यों को दंड एक दूसरे से सटाकर, बनाए जाते हैं, परंतु दंड समूहों के मध्य रिक्त स्थान छोड़ा जाता है, ठीक है ना। रिक्त स्थान क्या किया जाता है यहाँ पे, छोड़ा जाएगा। दो की यदि बात करते हैं, एक हम लोग बात कर सकते हैं जैसे ए की, बी की, ठीक है ना। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, निम्न आंकड़ों का निम्न आंकड़े होते हैं डाटा का बहुगुणी दंड चित्र बनाइए,
बहुगुणी दंड चित्र बनाई है, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कक्षा की, कक्षा, ठीक है ना। ये हो जाएगा बॉयज, ये हो जाएगा गर्ल्स, स्टूडेंट नंबर, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्लास ए बी सी, ए बी सी की यदि बात की जाए तो क्लास ए में लड़कों की संख्या है 25, लड़कियों की संख्या है 20। क्लास बी की यदि बात की जाए तो बी में पाई जा रही है लड़कों की संख्या 20, लड़कियों की संख्या 15। क्लास यदि सी की यदि बात की जाए तो बॉयज की संख्या पाई जा रही है 15, यहाँ पे भी क्या पाई जा रही है, लड़कियों की संख्या 15 ही पाई जा रही है, 15 ही क्या होगी यहाँ पे पाई जा रही है। तो यदि इसका मल्टीपल बार डायग्राम बनाया जाए, मल्टीपल बार डायग्राम यदि बनाया जाए तो यहाँ ले सकते हैं हम लोग क्लास ले सकते हैं, ये हो जाएगा ए का, यहाँ हो जाएगा बी का, यहाँ हो जाएगा सी का, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा क्या सी का, ये हो जाएगा फाइव, ये हो जाएगा सेकंड स्टूडेंट नंबर, नंबर ऑफ इस तरफ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। एक ही यदि हमने बात की है, एक ही यदि हमने क्या किया है बात की है तो ए में, अच्छा बॉयज को लिए हम लोग ब्लॉक्स बना सकते हैं इस प्रकार से, क्या कर सकते हैं, डॉटेड बना सकते हैं, डॉटेड ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए कर सकते हैं हम लोग लाइन डायग्राम का, ये हो जाएगा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ओके। तो क्लास ए में, क्लास यदि ए की बात किया जाए तो ए में लड़के पाए जा रहे हैं 25, लड़कों के लिए डायग्राम बनता है डॉटेड इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यदि बात की जाए गर्ल्स की तो गर्ल्स में पाई जा रही है संख्या 20, इनके लिए बनता है लाइन वाला, ठीक है ना। क्लास ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड है क्लास बी, बी में लड़के पाए जा रहे हैं 20, गर्ल्स पाई जा रही हैं 15, 15, तो गर्ल्स के लिए तो हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। बॉयज के यदि बात की जाए तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कर सकते हैं। सी की यदि बात की जाए तो सी में 15 पाए जा रहे हैं क्या बॉयज, और 15 ही क्या पाई जा रही है गर्ल्स पाई जा रही हैं, ठीक है ना। बॉयज क्या हो जाएंगे, ये पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम का निर्माण यहाँ पे किया जा सकता है। फिर फोर्थ नंबर पे आते हैं हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम, अंतर विभक्त, अंतर विभक्त दंड चित्र, दंड चित्र सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड बार डायग्राम,
ठीक है ना, अंतर्विभाग दंड चित्र। इसमें क्या हो गया, एक से ज्यादा डाटाज होंगे आपके पास, एक से ज्यादा क्या होंगे यहाँ पे डाटाज फाइल जाएंगे, और इनको एक ही आपको बार डायग्राम के रूप में क्या करना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। एक ही बार डायग्राम के रूप में आपको इनको प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, समंको समंक डाटा समंको को के उपविभागों को, उपविभाग होते हैं एक से ज़्यादा, को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अंतर्विभक्त दंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इन चित्रों के निर्माण हेतु, चित्रों के निर्माण हेतु पदमूल्य के योग के मूल्य के योग के अनुसार, अनुसार विभिन्न दंड चित्र, विभिन्न दंड चित्र बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं तथा बाद में प्रत्येक दंड को, तथा बाद में प्रत्येक दंड को उनके उपविभागों के अनुपात में, उनके उप विभागों के अनुपात में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, ठीक है ना। यदि हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल से, भिन्न भिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के, भिन्न भिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के रक्त समूह, विद्यार्थियों के रक्त समूह दर्शाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। इन्हें सब डिवाइडेड बार डायग्राम दर दर सब डिवाइडेड बार डायग्राम द्वारा दर्शाइए हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम द्वारा दर्शाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग कक्षा क्लास, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नंबर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है ना। ये यहाँ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिया जा सकता है बीएससी, बीए और बीकॉम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पे कक्षा फर्स्ट ए बी सी और डी, ए ठीक है। इस तरह हम ले लेते हैं स्टूडेंट नंबर, इस तरफ ले लेते हैं हम स्टूडेंट नंबर। यदि कक्षा ए की बात की जाए, ठीक है ना, जिसमें बीएससी के
बच्चे पढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं स्कूल ए में, या स्कूल कर देते हैं और भी अच्छा रहेगा थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से। स्कूल ए में बीएससी के जो कॉलेज ए में बीएससी के बच्चे हैं 15, बी के यदि बच्चों की बात की जाए तो ये कर सकते हैं हम लोग 20, और बी कॉम के बच्चे हैं 10। इसी प्रकार से यदि बात की जाए बी की, बी में हम लोग कर सकते हैं बीएससी के बच्चे हैं 10, बी कॉम बीए के बच्चे हैं यहाँ पे 15, बी कॉम के बच्चे हैं यहाँ पे 8। सी की यदि बात की जाए तो सी में क्या हो जाए, बीएससी के बच्चे हो जाए यहाँ पे 20, ये किसी बीए के बच्चे हो जाए यहाँ पे 15, बी कॉम के बच्चे हो जाए यहाँ पे 10। और डी की यदि बात की जाए तो डी में यदि बीएससी के बच्चे पाए जाते हैं 10, बीए के बच्चे पाए जाएँ 15, और बी कॉम के बच्चे पाए जाएँ 5। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं। डायग्राम का निर्माण क्या कर सक क्या हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास, ठीक है ना। ये हो जाए आपके पास ये हो जाए बीएससी, ये हो जाए बीए, और ये हो जाए बीकॉम। स्टूडेंट नंबर में यदि बात की जाए तो ये हो जाए 5 के लिए, 10 के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए, 30 के लिए, 35 के लिए, 40 के लिए, 45 के लिए, और आगे तक किया जा सकता है इस प्रकार से। यदि बीएससी बीएससी की बात की जाए, ठीक है ना, हम लोग ए को दर्शाएंगे, यदि ए की हम लोग बात कर रहे हैं तो ए को दर्शाएंगे हम लोग इस प्रकार के डार्क ब्लॉक से बिल्कुल। यदि बी की यदि बात की जाए तो हम बी को दर्शाएंगे लाइन डायग्राम से, सी की यदि बात की जाए तो सी को हम दर्शाएंगे स्पॉट्स के रूप में, डी की यदि बात की जाए तो डी को हम दर्शाएंगे इस प्रकार से आड़ी, या कह सकते हैं लहरदार रेखाओं द्वारा, लहरदार रेखाओं द्वारा, ठीक है ना। तो बीएससी की यदि बात की जाए तो बीएससी में एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 15। तो इसको बिल्कुल क्या कर देते हैं हम लोग, डार्क कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल डार्क कर सकते हैं। बी में कितने बच्चे हैं, 10, तो इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, 10 जोड़ देते हैं, इसको हम लोग दर्शा देते हैं इस प्रकार की रेखाओं द्वारा। फिर सी की यदि बात की जाए 50, 55, 60, 65, सी की यदि बात किया तो सी में जोड़े हमने 20 बच्चे, 20 का मतलब हो जाएगा 45 तक, ये क्या हो सकता है, डायग्राम बन सकता था। ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्पॉटेड के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। फिर डी की यदि बात की जाए तो डी होता है 10, जो कि लहरदार रेखाओं के रूप में हो, जो कि लहरदार रेखाओं के रूप में हो गया, ठीक है। बीए की यदि बात की जाए तो ए में होंगे 20 बच्चे, ए में क्या होंगे यहाँ पे 20 बच्चे पाए जाएंगे, बी में क्या होंगे 15 बच्चे, इस प्रकार से, जो कि लहरदार रेखाओं इसमें तिरछी रेखाओं के रूप में। सी में होंगे 15, जो कि स्पॉटेड या डॉटेड के रूप में होंगे। फिर होंगे 5 बच्चे, जो कि लहरदार रेखाओं के रूप में। बीकॉम की यदि बात की जाए तो बीकॉम में फर्स्ट में पाए जाते हैं 10, ये हो जाएगा ए आपका, ये क्या हो जाएगा ए के रूप में। बी की यदि बात की जाए तो बी में हो जाएंगे 8, लगभग 18 के आसपास का ये बैठा है, 20 और 15 के बीच में, ये क्या हो जाएंगे डॉटेड, सॉरी लहरदार रेखा, इसे तिरछी रेखाओं के रूप में, ठीक है ना। सी की यदि बात की जाए तो सी में हमने बात की है 10 की, तो ये
25 से थोड़ा सा ऊपर, ये क्या हो जाएंगे, तिरछी रेखाओं के रूप में सी हो जाएगा। डी की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा 5 तिरछी रेखाओं के रूप में। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम का निर्माण किया जा सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।